Hello students, today's our topic is hyperconjugation. Hyperconjugation एक electronic effect है जो कि organic chemistry में हम पढ़ते हैं. Organic chemistry का जो first chapter है some basic concept of organic chemistry उसमें आता है. तो आज हम hyperconjugation को समझते हैं, इसकी application क्या है फिर हम वो देखेंगे. Hyperconjugation जो है ये stability of carbocation को बताता है कि कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल है या कैसे स्टेबल है. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक इथाइल कार्बोकैटायन है, इथाइल कार्बोकैटायन CH3CH2 पॉजिटिव, ये एक इथाइल कार्बोकैटायन है CH3CH2 पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब है इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो जा चुका है, इस पर प्लस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो कोई भी मॉलिक्यूल जिस पर प्लस माइनस चार्जेस आ जाते हैं, मतलब कि माइनस चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और प्लस चार्ज का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए लेस स्टेबल है. तो अब इस कार्बोकैटायन के लिए स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन से जो जुड़ी हुई कार्बन होती है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन. तो यहां पर ये जो कार्बन है इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई ये 3 हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा अल्फा मतलब कि ये एसिडिक टीम है, मतलब कि ये एच पॉजिटिव बनके रिलीज हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि वो हाइड्रोजन जो जरूरत पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगी, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वो इस कार्बन पर आ जाएगा. ऐसा करने पर ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा हो जाएगा CH 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 एंड H, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दो कार्बन के बीच आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये H पॉजिटिव निकल गया. तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब तीन या बार यहां चांसेस है. ये अब जैसे इस हाइड्रोजन ने अपना पाई बॉन्ड दिया वैसे ये हाइड्रोजन भी अपना पाई बॉन्ड देगा, तो ये बॉन्ड दोबारा अपनी जगह पर चला जाएगा, ये बॉन्ड दोबारा अपनी जगह पर चला जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड वापस वहीं पे चला गया एच, और यहां पर इस बार ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया AC. तो इस बार अपना इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इस हाइड्रोजन ने, तो इसका डबल बॉन्ड इधर आ गया. तो इथाइल कार्बोकैटायन का पहला हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये हुआ, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये हुआ, फिर उसके बाद हम थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे. अब ये इस हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड यहां जाएगा, तो ये CH डबल बॉन्ड CH एंड H, तो ये थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो ये पहला, दूसरा एंड तीसरा. देखो अल्फा अल्फा टीम जो वक्त आने पर अपना पाई बॉन्ड या अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाइड्रोजन ये है अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा. तो अब इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को दिए, जिसकी वजह से ये यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है या प्लस चार्ज कम हो रहा है. तो प्लस चार्ज का कम होना ही स्टेबिलिटी है. इलेक्ट्रॉन की एक्सेस भी अच्छी नहीं है और इलेक्ट्रॉन की कमी भी अच्छी नहीं है. इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसी भी एटम के ऊपर तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वहीं अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा. तो यहां पर ये इथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है. तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन.
जैसे मेरे पास एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन इससे जुड़े हुए 3 कार्बन और उससे जुड़ी हुई 3 हाइड्रोजन, फिर ये 3 हाइड्रोजन और फिर ये 3 हाइड्रोजन, तो इससे जुड़ी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बोकैटायन है इससे जुड़ी हुई 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो वक्त आने पर अपना बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच दे देंगे। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर CH3 CH2 पॉजिटिव ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें से ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। हम इसे इंडक्टिव इफेक्ट से भी देख सकते हैं कि ये कार्बोकैटायन है, कार्बन पर प्लस चार्ज है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये 3 मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाकर इस प्लस चार्ज को कम कर रहे हैं, प्लस चार्ज को कम कर रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में एक ऑर्बिटल डायग्राम भी आता है कि आप इथाइल कार्बोकैटायन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। इथाइल कार्बोकैटायन का ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, CH3 H H H और CH H एंड पॉजिटिव, यहां पे ये जो p ऑर्बिटल है वो खाली है, तो यहां पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं C ऑर्बिटल डायग्राम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर ये 3 बॉन्ड बन गए, ये कार्बन, तो यहां पर एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और यहां पर ये है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दे रहा है, तो ये हो गया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर एथाइल कार्बोकैटायन CH3 CH2 पॉजिटिव। हाइपर कॉन्जुगेशन में अभी इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे डिस्कस करेंगे।